हाँ दोस्तों नमस्कार, आप सभी का भास्कर मैथ्स अकेडमी में स्वागत करता हूँ। अपन पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट पढ़ा था सेकेंड ग्रेड से रिलेटेड। आज अपन फिर सेकेंड ग्रेड से रिलेटेड कुछ आगे पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। पिछली क्लास में सेकेंड ग्रेड से संबंधित अपन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैथ जो सेकेंड पेपर है उसके बारे में। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट पढ़ा था, आज उसी बेसिक पार्ट को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ कि और किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कल की क्लास में, पीछे की क्लास में सर्व समीकाओं से संबंधित अपन ने बात की थी। मैं एक बार वापस दोहरा रहा हूँ तीनों सर्व समीकाओं को, जिसमें आपकी पहली सर्व समीका थी सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तीन। दूसरी सर्व समीका होती है सर आपकी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके सर सेक स्क्वायर थीटा। आपकी तीसरी सर्व समीका बताई थी सर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके कॉस सेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों सर्व समीकाओं से संबंधित अपन बात कर रहे थे। विभिन्न विभिन्न प्रकार के कंडीशन बनती है, पिछले वीडियो में अपन बात कर चुके हैं, एक बार मैं फिर उन कंडीशनों को दोहरा देता हूं, उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। मैं एक एक के आधार पर इन सभी तीनों कंडीशनों को समझा देता हूं। सर देखिएगा, पहली जो ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन थी या आइडेंटिटी है वह क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। यहां से क्या लिखा जा सकता है, यदि साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो लिखा जा सकता है सर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। या फिर देखिएगा सर, इसी कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं एक माइनस साइन थीटा, और गुणा में क्या लिख सकते हैं एक प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये अपना जो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसको लिखा जा सकता है एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाती है, और वह कौन सी आइडेंटिटी लग जाती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, जो क्या होता है सर ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी के बराबर होता, ठीक है। इसी के आधार पर अगली आइडेंटिटी, इसी आइडेंटिटी के आधार पर मैं बात करना चाहूं तो इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा, क्या सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, और इसी के अलावा इसी साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, इसी फॉर्मूले के आधार पर वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा लिखा जा सकता है। तो इस आइडेंटिटी के आधार पर पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक है, तो इसके आधार पर पहले कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, और कॉस स्क्वायर थीटा इसी फॉर्मूले के आधार पर लिखा जाता है एक माइनस साइन थीटा गुना एक प्लस साइन थीटा के। साइन स्क्वायर थीटा की बात करता हूं तो वह बराबर होता है किसके एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, और आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक माइनस कॉस थीटा गुना एक प्लस कॉस थीटा। अब देखना, जनरली इससे संबंधित एक प्रश्न बनता है, उस प्रश्न के बारे में भी मैं चर्चा कर देता हूं याद रखने के लिए। प्लस और माइनस के फॉर्मेट में जब भी आपको पूछ लिया है, जब भी आपको पूछ लिया है, जैसे आपके पास क्या बनेगा सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर रूट दो गुना कॉस थीटा हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा। सर इसके चिन्ह चेंज होते हैं, तो रूट दो तो ऐसा कैसा रहता है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, साइन थीटा कॉस थीटा किसमें चेंज हो जाता है साइन थीटा में, और साइन थीटा किसमें चेंज हो जाता है कॉस थीटा में, मतलब ये एक दूसरे के अपने आप में प्रश्न है कि यदि आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर रूट दो साइन थीटा दिया हुआ हो तब आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होगा, रूट दो गुणा कॉस थीटा के बराबर होगा। और यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर रूट दो कोस थीटा दिया हुआ हो तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर रूट दो साइन थीटा होगा, अर्थात ये फंक्शन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। ये चर्चा की थी अपने पहली आइडेंटिटी के आधार पर। अब अपन बात कर रहे हैं सर एक दूसरी आइडेंटिटी के आधार पर, क्या थी दूसरी आइडेंटिटी, दो नंबर की आपकी सर्व समीका होती है सर एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सर किसके सेक स्क्वायर थीटा। इनसे और क्या क्या बनाया जा सकता है,
सर यहां से लिखा जा सकता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक। कैसे? इस tan स्क्वायर थीटा को बराबर के दूसरी तरफ ले गए जाऊंगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी ऋणात्मक संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो धनात्मक हो जाती है, और कोई धनात्मक संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो ऋणात्मक हो जाती है, और गुणनफल की संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो भागफल में चली जाती है, वह भागफल की संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो गुणनफल में चली जाती है। तो इसी के आधार पर पहले तो बन जाता है सर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक। इन पर देखिएगा वही आइडेंटिटी लगाता हूं मैं, कौन सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, क्या होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी होता है। उसी के आधार पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की बात करूं तो यह होता है sec थीटा प्लस का tan थीटा गुणा में sec थीटा माइनस का tan थीटा, और वह बराबर होता है इस एक। यहां से दो मान और आ जाते हैं मेरे पास, कहा जाता है सर sec थीटा प्लस tan थीटा है वह बराबर होता है एक बट्टा sec थीटा माइनस tan थीटा। और सर यहां से यह भी याद रखना कि sec थीटा माइनस tan थीटा है वह भी बराबर होता है इसके एक बट्टा sec थीटा प्लस tan थीटा के बराबर। इसी से संबंधित प्रश्न बन जाता है, क्या प्रश्न बनता है कि यदि सर sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p हो तो आपका sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या बन जाएगा, एक बट्टा p बन जाएगा। और यदि यही पर मैं बात करूं sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर q लिखा हुआ हो तो सर sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना बन जाएगा, एक बट्टा q हो जाएगा। तो दूसरी सर्वसमीका के आधार पर मुख्य मान ये होते हैं, इसके आधार पर एक मान और बनता है वह क्या बनता है, इसी का उल्टा भाग होता है यदि आपसे पूछ लिया जाए tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा तो वह बराबर होता है सर किसके, माइनस एक के बराबर होता है। तो दूसरी सर्वसमीका से ये विभिन्न विभिन्न रूपों को क्या होता है, रूपांतरित किया जाता है या विभिन्न विभिन्न रूपों में इनको लिखा जा सकता है, इसीलिए इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब आप बात करते हैं सर एक अंतिम सर्वसमीका की, और वह कौन सी सर्वसमीका है आपकी, तीसरी सर्वसमीका है, और तीसरी सर्वसमीका इन्हीं मापदंडों के आधार पर मापी जाती है। और कौन सी होती है तीसरी सर्वसमीका, तीसरी आपकी सर्वसमीका होती है सर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। सर यहां से वही बात सर यदि बात करता हूं मैं पहली कंडीशन की तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना, इन्हीं के आधार पर वही वो दो रूप बन जाएंगे। कौन से रूप बनेंगे सर, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाऊंगा तो इसको लिखा जा सकता है सर cosec थीटा माइनस का cot थीटा गुणा में लिख देता हूं सर cosec थीटा प्लस का cot थीटा, और दोनों का गुणनफल कितना सर एक। वही दो मान यहां से निकलेंगे कि सर जो आपका cosec थीटा माइनस का cot थीटा है वह बराबर होता है एक बट्टा cosec थीटा प्लस cot थीटा। सर यही पर इस बात की करता हूं कि सर cosec थीटा प्लस cot थीटा होता है वह बराबर होता है एक बट्टा cosec थीटा माइनस cot थीटा। यही दो रूप यहां से बने जो पिछली सर्वसमीका से बने थे, वही प्रश्न यहां से बनेंगे कौन कौन से। यदि आपके पास cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर p दिया हुआ हो तो cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एक बट्टा p। अब वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, यदि प्लस में होता तो माइनस में एक बट्टा p लिख देते, और यदि माइनस में है तो प्लस में एक बट्टा p लिख देंगे। कहने का मतलब मान क्या होते हैं बदल जाते हैं, मान क्या होते हैं बदल जाते हैं। आपको प्रश्न देखिए किस रूप से पूछा जा सकता है, cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर दो हो तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात कीजिए, sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए, tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए।
इनके अलावा कॉस थीटा का मान याद कीजिए, विभिन्न विभिन्न प्रकार के मान पूछे जा सकते हैं। इसी सर्व समीपा के आधार पर एक मान और बनता है और वह मान बनता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो बराबर होता है इसके माइनस एक के बराबर होता है। ये थी अपनी त्रिकोणमिति में तीन सर्व समीपा जिनके बारे में पिछली वीडियो में भी अपन चर्चा कर चुके हैं, एक बार मैंने फिर समझा दिया। और एक बात और फिर से समझा रहा हूं कि तीनों सर्व समीकरणों को याद कैसे रखा जाता है। तीनों सर्व समीकरणों को बहुत ही आसानी से याद रखा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला में एक ई एलिफेंट होता है जिसके ऊपर की लाइन को इधर घुमा दो और आपके छह के छह त्रिकोणमितीय फलन वर्ग के साथ रख दो। सबसे पहले साइन आता है तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन के बाद कोस आता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस के बाद टेन आता है टेन स्क्वायर थीटा, टेन के बाद में कॉट आता है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट के बाद में सेक आता है सेक स्क्वायर थीटा और सेक के बाद में कॉसेक आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस रेखा के इधर तो कैसा चिन्ह लगा दो, प्लस का चिन्ह लगा दो और इस रेखा के इधर कैसा चिन्ह लगा दो, बराबर का चिन्ह लगा दो और जो जगह खाली दिखाई देती है वहां पर कितना रख दो, एक रख दो। अपनी तीनों सर्व समीकरण बन गई। पहली सर्व समीकरण क्या बनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है। दूसरी सर्व समीकरण क्या बनी, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्व समीकरण क्या बनी, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आगे बढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति में संपूर्ण त्रिभुज के कुछ मापदंडों के आधार पर त्रिकोणमितीय फलनों को समझाया जाता है, क्योंकि त्रिकोणमिति होती है वो त्रिभुजों पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है सर, त्रिभुजों पर आधारित होती है। तो छोटी क्लासों में पढ़ा जाता है फॉर्मूला, देखिएगा लाल बट्टे कक्का, क्या पढ़ा जाता है लाल बट्टे कक्का, जहां पर L का मतलब क्या होता है, लंब होता है, A का मतलब क्या होता है, सर आधार होता है, व इसके अलावा K का मतलब क्या होता है, सर कर्ण होता है। इसी को एक अन्य रूप में पढ़ा जाता है PBP अपॉन HHB, HH अपॉन B कहा जाता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, जहां पर पी का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है मतलब लंबवत होता है, वहां पर बी का मतलब क्या होता है, बेस होता है मतलब आधार होता है, और एच का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है मतलब तिरछी ऊंचाई जिसको कर्ण के नाम से जाना जाता है। इन तीनों मानों में संबंध को स्थापित रखने के लिए पाइथागोरस नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने ही नाम पर एक प्रमेय दी जिसे कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय में कहा गया कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या फिर मैं बात करूं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। इस प्रमेय को क्या नाम दिया गया, पाइथागोरस प्रमेय दिया, जो इन तीनों में संबंध को स्थापित करता है। जब इन्हीं मानों के आधार पर त्रिकोणमितीय फलनों को प्रदर्शित किया गया, कहा गया सर आपका त्रिकोणमितीय फलन साइन थीटा होता है वो लंब बट्टा कर्ण के बराबर होता है, और जो आपका कोस थीटा है वो आधार बट्टा कर्ण के बराबर होता है, और ये टैन थीटा है वह लंब बट्टा आधार के बराबर। देखिएगा ये पहला मान किसको प्रदर्शित करता है, साइन थीटा को प्रदर्शित करता है, ये दूसरा मान किसको प्रदर्शित करता है कॉस थीटा को, और ये तीसरा मान किसको प्रदर्शित करता है टैन थीटा को प्रदर्शित करता है, और इन्हीं के उल्टे मान अन्य तीन त्रिकोणमितीय फलन के हो जाते हैं। टेन के बाद में आता है कॉट थीटा, जो बराबर होता है सर इसके आधार बट्टा लंब के, कोट के बाद में आता है सेक थीटा। देखिएगा मैंने आधार बट्टा लंब क्यों किया, कोट उल्टा होता है टेन का, तो टेन के मान को पलट दिया तो कोट थीटा का मान आ गया। सेक थीटा की बात करते हैं, सेक थीटा उल्टा होता है कॉस थीटा का, तो यहां क्या लिखा जाएगा, कर्ण बट्टा आधार लिखा जाएगा। आगे बात करूं मैं कोसेक थीटा की, तो सर कोसेक थीटा
साइन थीटा का उल्टा होता है वो किसके बराबर होता है, करंट बटा लंब के बराबर होता है। इन्हीं के आधार को समझाने के लिए कह दिया जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू यहां बेस अपॉन क्या हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो गया, इसके अलावा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, जो त्रिभुजों के नियम के आधार पर इस बात को समझा जाता है। छोटी क्लासों में संपूर्ण त्रिभुज के बारे में पढ़ा जाता है कि संपूर्ण त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल हमेशा उसके विकर्ण से क्या होता है, ज्यादा होता है। वह संपूर्ण त्रिभुज का विकर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। वो केवल और केवल किसके आधार पर मापा जाता है, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर। सर ये लंब और आधार का पता लगाने के लिए केवल संपूर्ण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। कहा जाता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, करण कहते हैं। वह थीटा का माप यदि ये लूंगा तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, और जब ये लंब होगा तो ये क्या होगा, आधार। ये लंब किसके सापेक्ष होगा, इस कोण के सापेक्ष होगा। और यदि इस कोण के बारे में बात करूंगा तो यह क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, और यह क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। तो लंब और आधार का निर्धारण होता है वह त्रिभुज के अंदर उनके शीर्षों के मध्य बने कोणों के मापों के आधार पर पता लगाया जाता है कि सर कौन सा मान तो क्या है, लंब है, और कौन सी भुजा क्या है, आधार है। इसी के मापदंडों के आधार पर इन त्रिकोणमितीय फलनों को लंब बटे लाल बटे कक्का लंब आधार करण के रूप में मापा जाता है। बाकी चर्चाएं कल के क्लास में पढ़ेंगे नए वीडियो के बारे में। एक बार फिर से मैं धर्मेंद्र कुमार भास्कर अपने यूट्यूब चैनल भास्कर एजुकेशन या भास्कर मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और जो कैंडिडेट अभी वीडियो देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप अच्छी तरह से इसी प्रकार नियमित रूप से इन चीजों का अध्ययन कर सके। कोशिश है मेरी कि सेकंड ग्रेड सब्जेक्ट पेपर में जो विशेष सब्जेक्ट मैथ्स है उनसे रिलेटेड में सारी चर्चाएं यहाँ क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।